हेलो दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए। तो मैं यहां देखना चाहती हूँ कि उनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है। अगर वो आपसे बातें छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, और आपके लिए स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं, तो क्या कुछ वो कहना चाहते हैं जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, और क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। आपसे हो सकता है वो कम्युनिकेशन ना कर पा रहे, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आपसे शेयर ना कर पा रहे हों। तो यहां मैं देखना चाहती हूँ कि उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए, एक कार्ड गिर गया है। एंजल से पूछती हूँ, एंजल्स गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे, ऑल आर्कएंजल्स गाइड करेंगे, दिव्य शक्ति गाइड करें, कृष्ण गोविंद गाइड करेंगे, राधा रानी गाइड करेंगे। पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। देखिए डियर, ये एक एनर्जी होती है, ठीक है, एक एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी आपको देखते हुए खुद को बैलेंस भी करना है, ठीक है, पेशेंस भी रखना है और आगे भी बढ़ना है, लाइफ में हमेशा आगे भी बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ना और पॉजिटिव रहना, क्योंकि सब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा इमोशंस रहने से भी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट घटने लगती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, इनोसेंट हो, और इसका फायदा कुछ लोग भी हैं जो उठाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी उनका भी मूड स्विंग होता है, ठीक है, अगर आपकी तरफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं या फैमिली में बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो ये गुस्सा कहीं भी उतारते हैं, कुछ लाइफ में अच्छा नहीं होता है तो आप पर गुस्सा उतारते हैं, या फिर कंट्रोल करते हैं, या फिर ब्लॉक कर देते हैं, जब मूड हुआ तो ये अनब्लॉक कर देते हैं। ये सब एनर्जी है, ठीक है, ये सब एनर्जी है बाबू, इसलिए कुछ कर्मा क्लियर कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, इनर वर्क हो सकता है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने पर फोकस करना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये भी दिख रहा है, सेवन चक्रा का मेडिटेशन। यहाँ मेरे बहुत व्यूअर्स शायद आप ढूंढ रहे हो या फिर सेवन चक्रा का मेडिटेशन कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप उनको माफ करना चाहते हो, ठीक है, अगर उनसे कोई गलतियां हुई है तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि कम से कम वो दिल से आपसे बात करें, कुछ एक्सप्रेस करें, ताकि आप उनको समझा सको, आप उनको मोटिवेट कर सको, आप उनको समझा सको, आप चाहते हो, ठीक है, आप उनको माफ करना चाहते हो, लेकिन दरअसल वो बात नहीं करते हैं और ना ही आपसे शेयर करते हैं, जिस वजह से आप परेशान रहते हो, है ना। आप लोग के सपने भी मुझे दिख रहे हैं, आ रहे हैं आपके पार्टनर के, और आपके भी सपने यहाँ जजमेंट में देख पा रही हूँ कि सपने के थ्रू डिवाइन गाइड करें आपके पर्सन को, जब जब वो आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, डिसकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपने आने लगते हैं, जहां यूनिवर्स की प्लानिंग रहती है, जजमेंट चलता है, वो उनको गाइड करते हैं कि आप उनके कौन हो, ठीक है, आप उनके सोलमेट हो, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं और आपके बारे में फिर से काफी ये सोचने लगते हैं। जब जब ये देखो डियर, चाहे वो पेरेंट्स इश्यू हो, या फिर कर्मा हो, या ब्लॉकेज हो, या कोई और परेशानी हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी कोई भी हो, जब जब ये खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं, बस वैसे ही इनके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब जब आपसे कटने की कोशिश करते हैं तो डिवाइन कुछ सपने के थ्रू कुछ ना कुछ उनको मैसेज देने शुरू करते हैं। अबंडेंस, कहीं ना कहीं ये पर्सन करियर से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ फाइनेंस को लेकर ये चिंतित है, और ये लाइफ में अवेंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सो भी नहीं पा रहे हैं डियर, ठीक है, हो सकता है फाइनेंस, करियर, जॉब, कुछ ना कुछ ये भी प्रॉब्लम है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इनके लाइफ में परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, इसलिए आपकी तरफ ये एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो ट्रेवल करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन यहां कहना चाहते हैं कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है, अगर वो उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ये आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, कि आप उन्हें माफ कर दो या मुझे माफ कर दो, गलती हमारी भी है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर अंदर घुट भी रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और रात भर ये सो नहीं पा रहे हैं,
सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अवेयरनेस को लेकर भी चिंतित है, करियर को लेकर चिंतित है, फाइनेंस को लेकर चिंतित है, और ये आपको पाकर ही अपने लाइफ में खुश होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही है और ये किसी वजह से आपसे कटने की कोशिश करते हैं, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है डियर पेरेंट्स, इशू यहाँ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पेरेंट्स इशू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं कॉल मैसेज करेंगे डियर, ठीक है, बहुत के पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं, गुड न्यूज है, और सेलिब्रेशन कुछ लोग की बात मुलाकात हो रही है आपके साथ, इंजॉय करें, कुछ लोग ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग की ट्रैवल भी हो रही है, कुछ लोग ट्रैवल भी आप एक दूसरे के साथ करो, या फिर व्यूअर्स हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या फिर और ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और कॉल मैसेज की भी संभावना बहुत है। देखा कास्ट इशू, पेरेंट्स इशू यहाँ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आ रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, कहा ना ये जब जब आपके तरफ कुछ भी डिसीजन लेते हैं कुछ ना कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है, और सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, अब तक आप वेट कर रहे हो कमिटमेंट कमिटमेंट, ये हाँ अब तक ये भागते थे, लेकिन जब जब ड्रीम और डिवाइन के तरफ से उनके सपने आने शुरू होते हैं, जजमेंट शुरू हो जाता है डियर, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोचने भी लगते हैं, तो यहाँ पे मेड फॉर इच अदर की एनर्जी है, अब आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जब जब आपसे दुनिया बनाते हैं, जब जब कोशिश करते हैं कंट्रोल करने का, तो आपको मिस करते हैं, सपने आना, आपको मिस करना, मतलब सॉरी फील करना। देखिए कॉल मैसेज की यहाँ भी संभावना है डियर, देखिए ट्रैवलिंग का भी आया है और कॉल मैसेज का आया है, लेकिन ये पर्सन सही पूछिए तो कभी जो जो डिसीजन ये बंदा ले लेता है ना, कभी कोई गलती में आकर, तो ये अपने गलती से ही ये मार खा जाता है इंसान, ठीक है, कभी आपको जलाना, कभी थर्ड पार्टी से फाइटिंग करना, कभी कुछ करना, मतलब मनचला टाइप का इंसान है, ठीक है, लेकिन देखिए आपसे कटने की कोशिश जब जब की। अब देखिए इनकी हाल तो आप देख लो क्या इनकी हाल है, इनको मतलब अब रात में सो नहीं पा रहे, देखिए कोई भी कदम उठा लेते हैं ये अचानक से आपको जलेसी फील कराने का, या फिर आपको अनब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये भी बात है, कभी ब्लॉक कर देते हैं ये भी बात है, कभी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय भी करें, कभी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब आवेश में गुस्सा में आकर ये कदम जरूर उठा लेते हैं, ठीक है, ये कदम जरूर उठा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही चीज, फाइटिंग, झगड़े, गुस्सा, ईगो, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सोना नहीं, मतलब एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये शुरू हो जाती है। तो ये इतना याद रखिएगा कि सोलमेट की एनर्जी आई है, अगर आप ट्विन जर्नी में हो या फिर आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, सोलमेट हो, तो यहाँ पे जब जब ये पर्सन आपसे कटने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपके प्रति कुछ ऐसा सोचते हैं, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन को डंडा पड़ता है, डंडा, ठीक है ना, दिमाग में अब आप रहने लगते हो, अब वही दिमाग में रहते 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 आपकी एनर्जी पीक होने लगती है, आपके आओ, आपके विचार, आपका इमोशनल नेचर, आपका इनोसेंट, आपका प्यार, आपका पेपर, उनको बार बार रिपीट होने लगता है, और डिवाइन कहीं ना कहीं जजमेंट शुरू कर देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, ठीक है, अब इस पर्सन को खुशी खत्म हो जाती है। देखिए यही होता है रियल सोलमेट की एनर्जी, ट्विन जर्नी की एनर्जी, कि अगर उन्होंने थोड़ा भी आपसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की तो उनको पता चलने लगता है, उनको अनुभव होने लगता है कि यू आर माई अदर हाफ, देख रहे हो आप, सॉरी फील करने लगते हैं, आपको मिस करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, डिस्टर्ब ये बंदा हो जाता है। अब शायद हो सकता है आप नाराज हो बैठे हो, तो ये सोच रहे कि आप नाराज हो तो कैसे मनाओ, ठीक है, नाराजगी भी है, ऐसा नहीं है डियर, जब जब कोई कोई स्टेप उठाते हैं गुस्से में आवेश में आकर, तो ये बंदे के ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और सब रास्ता बंद हो जाता है, तो हार कर ये आपके रास्ते ही आते हैं। देखिए ओवरथिंकिंग है, ओवरथिंकिंग की एनर्जी है, कास्ट इशू है, पेरेंट्स इशू है, लेकिन पीस और शांति कहाँ मिल रही है, देखिए पीस और शांति, इन्होंने जो भी कदम उठाया, आपको गुस्सा दिलाया, आपको जलसी फील कराया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, ठीक है, देखिए अब इनको पीस और शांति चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ फाइट चल रहा है, इनके लाइफ में, इनकी फैमिली में, जैसे भी इनके साथ फाइटिंग चल रही है, ठीक है, अब इनको आप चाहिए, ठीक है, आप उन पर विश्वास कीजिए, अब आप उन पर विश्वास कीजिए, इनकी गलतियों को लेट गो कर दीजिए, आप समझ गए ना बात को, इनकी गलतियों को लेट गो कीजिए, अब ये कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, बहुत लोग का कॉल मैसेज आ रहा है, और आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ भी रहे हैं, देख रहे हो, और ये कहना चाहते हैं सेलिब्रेशन, तो कुछ लोग की मुलाकात रियूनियन हो रही है डियर, ठीक है,
और ये सॉरी फील कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश करेंगे और ये भी बोल रहे हैं प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू। तो ये कहना चाहते हैं आप अपना ख्याल रखें, खुद का ध्यान दें। हो सकता है, देखिए डियर, ये पर्सन को पता है, ठीक है ना, ये पर्सन को पता है कि आप क्या कर सकते हो, उनके लिए क्या फील करते हो, वो भी चाहते हैं कि आप चाहते हो, लेकिन इस बंदा में एक चीज है कि डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं, मन इनके अंदर कंट्रोल करने की पावर है, ठीक है ना। और आप जो इमोशनल और इनोसेंट हो तो तुरंत टूट जाते हो, बिखर जाते हो, रोने लगते हो। तो इस बंदा को बखूबी पता है कि आप टूट जाते हो, ठीक है ना, वो फील करते हैं कि आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो, अच्छे से खाना नहीं खाते हो, अच्छे से नहीं सोते हो, मतलब बहुत तरह की एनर्जी ये पिक करने लगते हैं। तो इनको पता है, इसलिए कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, वो आ रहे हैं। हो सकता है हाल में आपसे झगड़े हुए हों या आप रोए हों, आप हो सकता है उन्होंने आपको कुछ सुनाया हो, आप रो गए, तो ये बंदा सोने गए है डियर, तो नींद तो हो नहीं रही, जब नींद आती तो सपने आते हैं और सपने में उनको यूनिवर्स एंजल्स गाइड भी कर रहे हैं, आपके लिए एहसास भी दिलाया जा रहा है, तो ऐसी एनर्जी इनके साथ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, कास्ट इशू, धर्म इशू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बहन बच्चे बहुत कुछ हो सकते हैं डियर, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बंदा अभी भी थोड़ा सा है डिस्टर्ब, लेकिन आपसे मिलकर आपको समझाना चाहता है, चाहती है सेलिब्रेशन की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट से रिलेटेड ये पर्सन भाग रहे थे आपसे, लेकिन हो सकता है ये मिले, कॉल मैसेज करे तो आपको समझा सकते हैं कि वक्त आने पे मैं कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। सेलिब्रेशन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर ये समझा सकते हैं। और देखिए, जब जब आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो इनकी हाल देखिए क्या है, तड़प और बेचैनी बढ़ चुकी है, स्ट्रेस ले रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, और करियर को लेकर, अवेयरनेस को लेकर डियर ये पर्सन चिंतित भी है, और अवेयरनेस को लेकर ये भी आया कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी जहां पे ये पर्सन आपको लाइफ की सारी खुशियां देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स जानते हो, यहाँ कुछ के पेरेंट्स जानते हो, आप मेरे व्यूवर्स आपके पेरेंट्स जानते हो, कुछ के आपके पार्टनर के भी पेरेंट्स जानते हो, और ये कोशिश देखिए, पेरेंट्स के थोड़ा सा रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, तो थोड़ा ये डरते भी है डियर, ठीक है। ये पर्सन पेरेंट्स से थोड़ा डरते भी है, रिगार्ड भी, रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये आवेश में, गुस्सा में आ जाते हैं तो सबको ऐसी की तैसी भी सुना देते हैं, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन थोड़ा सा ये वक्त मुझे लग रहा है, यहाँ की एनर्जी तो ठीक है, आ रहे हैं आपसे बात करें, मुलाकात करें, लेकिन आपको ये समझा सकते हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे, थोड़ा वेट कर लो, और हो सकता है इनके फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा आपको ये वेट करा सकते हैं डियर। देखिए, नई शुरुआत के लिए बहुत कोशिश करेंगे, आपको मिलाएंगे कुछ लोग, मैं देख रही हूँ यहाँ कुछ लोग का कॉल मैसेज है, कुछ लोग की रियूनियन होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे प्लीज, आप कहीं अगर अचानक से आपको अनब्लॉक कर दिया जाए या फिर वो कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कंट्रोल रहिएगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को होता है ना, अचानक से गुस्सा आवेश बढ़ जाए और आप सोचते सोचते कोई बात से कोई फाइटिंग हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा, खुद पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है, सब पर काबू रखिएगा, क्योंकि इनका मूड स्विंग कभी भी होता है। थोड़ी सी भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज, कुछ कर्मा हुए, तो एक सेकंड में भी वो नाराज हो सकते हैं और चुप हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, नई शुरुआत तो मुझे कुछ दिख रही है, कुछ व्यूअर्स का नई शुरुआत हो रही है, रिश्ते को लेकर सोच भी रहे हैं, रियूनियन भी दिख रहा है। देखिये सोच में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सही पूछिए तो, जितना ये स्टेप उठाए थे थर्ड पार्टी को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में अब चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, चेंजेस दिखाई दे रहा है। और ये कह रहे हैं डियर, आपको खो नहीं सकते हैं, जो भी आवेश में आकर ये गलत कदम उठा लेते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी हो, इनको जब जब ये कदम उठा लेते हैं, तब जाके इन्हें अफसोस होता कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। और इन्हें महसूस होने लगता है कि मैं खुद में नहीं जी पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो, ठीक है, और ये सॉरी फील करते हैं, और तू मेरा हमदर्द है, यू आर माई अदर हाफ, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि मैंने क्या कर दिया, क्यों तुमको जेलसी फील करा दिया, क्यों मैंने तुम्हें रुला दिया, ठीक है, और ये बाद में टूट जाते हैं। ये कहा ना, जब जब आपको जेलसी फील कराते हैं और कहीं ना कहीं आपको पेन देने की कोशिश करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते कि आप उनसे झगड़ो, फाइट करो, ठीक है, या डीपी स्टेटस, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ, या ट्रेवल कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनसे फाइट करो। और ये जब एक्शन लेते हैं आपके तरफ, गुस्सा दिलाना, जलेसी फील कराना, ये खुद जलने लगते हैं, खुद टूट जाते हैं डियर।
तो इनको पता नहीं कि जब आपको रुलाते हैं तो वो एनर्जी वो भी पिक करते हैं ना, वो एनर्जी वो भी पिक करते हैं, तो वो नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो जो वो एनर्जी सेंड करते हैं तो वो भी ओवरथिंकिंग करते हैं, देख लो वो भी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ये टूट जाते हैं, लगातार सोच रही है, मिसिंग एनर्जी भी स्ट्रांग है, लगातार सोच रहे हैं, और ये पैशनेट भी बहुत है, मुझे पैसिव भी बहुत दिख रहे हैं, देखिए जो आपकी यादें हैं ना उनके साथ ये जी लेते हैं, लेकिन ये थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं कि एक स्टेप भी आगे कहीं और बढ़ाते हैं, कुछ और सोच लेते हैं तो कई स्टेप ये पीछे भी चले जाते हैं और टूट जाते हैं। ये सोच रहे हैं, इनकी फैमिली, इनके बच्चे, ये मैरिड इनकी हो सकता है, ये मैरिड इनकी लाइफ हो, मैरिज मतलब करेंट पार्टनर भी हो सकते हैं इनके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ के कास्ट इश्यू और पेरेंट्स इश्यू को लेकर मुझे लग रहा है यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड बर्डन और प्रेशर महसूस कर रहे हैं। इनकी अगर मैरिज ठीक हो रही है, रिलीजन कास्ट इश्यू कुछ भी आप लोग में, तो पेरेंट्स इनके दबाव जो दे रहे हैं डियर, इससे ये पर्सन बहुत ही परेशान है, ये आपसे कनेक्ट कर आपसे कुछ दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, और ये सोच है समझ है, ये ऑफर भी करना चाहते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है डियर, ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आई, ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये अभी टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे प्रेयर भी कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आप भी प्रेयर करो, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही प्रेयर कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स मान जाए। यहाँ पे कोई मुझे लग रहा है क्यों कि आप बहुत प्रेयर टेलीपैथी कनेक्टेड हो अपने पर्सन से। देखिए यहाँ पे बहुत ही पैशनेट मुझे पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, और ये बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। वो आपसे मिलकर कुछ मतलब मैरिज सेलिब्रेशन इससे रिलेटेड आपसे बात भी कर सकते हैं। कास्ट इशू पेरेंट्स इशू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं और पैशनेट भी बहुत है डियर। इनको प्रेशर दिया जा रहा है डियर, ठीक है, पेरेंट्स इनको प्रेशर दे रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, मतलब ये पर्सन के दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि करूं तो मैं क्या करूं। देखिए बहुत लोग का गुड न्यूज मिल रहा है, ठीक है, गुड न्यूज मिल रहा है, कॉल मैसेज आ रहा है, ठीक है, आप लोग का कॉल मैसेज आ रहा है, फाइटिंग से बचना है, आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, ये कहना चाहते, ट्रैवलिंग ट्रैवल भी हो रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है डियर, सॉरी फील कर रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए, वो आ रहे हैं, ये आपसे कहना चाहते वो आ रहे हैं सपने के थ्रू। आपको भी अगर कोई मैसेज मिल रहे हैं तो प्लीज सपने को आप फोकस करेंगे, ठीक है, सपने के थ्रू आपके आपके पार्टनर का मैसेज मिल रहा होगा। और देखिए अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपके पर्सन चिंतित है, लेकिन आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। इनकी एक स्टेप अगर ये आपको जेलसी फील कराते हैं या फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो देखिए उनके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आता है। आपको वो दिल दुखाते हैं और अपने लाइफ में कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का, वैसे ही इनको डंडा पड़ना शुरू हो जाता है डियर। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन, अब आप प्यारे लगने लगते हो, आप उनकी सब कुछ हो, आप उनकी दुनिया हो, मुझे आपसे ही मैरिज करना है, मुझे आप ही के साथ जीना है, तो ये सब आप मत सोचिए, ये सब डिवाइन की प्लानिंग चलती है। इनका जितना मूड स्विंग होता है ना उससे कई गुना ऊपर डिवाइन का भी मूड स्विंग होता है, वो हर स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इनके पीछे पीछे भी डिवाइन रहते हैं। तो इनको सपने के थ्रू भी डंडे पड़ रहे हैं, लाइफ में भी डंडे पड़ रहे हैं, इनको भी प्रेशर मिल रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप अपना हार्ड वर्क कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपने प्यार को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। बस आपके अंदर आपका जो भी थिंकिंग है ना आपका, वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा हीलिंग के थ्रू अपना इंटेंशन सही रखिए और तब मैनिफेस्ट कीजिए, है ना, तभी वो चीज पूरी होती है। क्योंकि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्ट, ये आप लोग बहुत इसमें लॉ की कोई पढ़ाई किया है इसमें, मुझे लग रहा कि लॉ से रिलेटेड आप लोग को ही क्या, देखिए लॉ आजकल निकल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला, उसके बाद लॉ, कोई लॉ से रिलेटेड आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो या फिर लॉ से रिलेटेड ही कुछ है, कुछ मुझे यहाँ अनुभव हो रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप करो ना, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे क्यों दिखा कि लॉ से रिलेटेड आप लोग कोई व्यूअर्स अपना करियर देख रहे हो या फिर कुछ स्टार्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा एनर्जी पिक हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, आप करियर में आगे बढ़ें। अगर ऐसा आया है मेरे थॉट्स में, मेरे
मुंह से निकला तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। तो आप अपने करियर पर जरूर फोकस करें, क्योंकि मैंने जब बोला लॉ से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो अवेयरनेस भी मुझे दिखा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने करियर पर फोकस करो, अपने अवेयरनेस पर फोकस करो, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। बस आपकी थिंकिंग जो है ना, थॉट्स थिंकिंग बिल्कुल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, ठीक है। कितना आप 100% दे रहे हो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, इनको झटका मिलता है ड्रीम के थ्रू। आप घबराइए नहीं, जितना आपके आंसू गिरते हैं ना, जब जब ये आपसे मुंह मोड़ते हैं और आगे स्टेप बढ़ाते हैं ना अपने लाइफ में, वैसे ही इनको झटका मिलता है। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंसेस्टर आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल, ऑल आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल, सब आपके साथ है, स्पिरिट गाइड, असेंडेड मास्टर, अर्थ मदर, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है, राधा रानी आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है। इसलिए डरिए मत, क्योंकि सब शक्ति आपके साथ है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी कदर करेंगे, तभी सब कुछ होगा डियर, ठीक है। फिर देखिए एनर्जी क्या आ गई, तो एनर्जी है चेंज होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी चेंज होती है। और देखिए इस वक्त की फीलिंग्स क्या है इनकी, बस आप ही आप हो। चलिए, आपके पर्सन आपकी तरफ कॉल मैसेज कर रहे हैं, बात भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, लेकिन ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। चलिए, ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है, अगर ऐसा कुछ मैसेज कॉल आता है, रीयूनियन होती है, तो जरूर कमेंट में लिखें और यूनिवर्स एंजल स्क्वाड को ग्रेटिट्यूड देकर ग्रेटिट्यूड शो जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करें, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करें। डियर, आप कहां से हो, इंडिया से अब्रॉड से, जरूर लिखना है ना, और अपना डिटेल्स भी दे देना, ठीक है। फिर मैं आपको सारे डिटेल्स भी दे दूंगी, और बुकिंग कराना है तो आप पहले से भी बुकिंग करा सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।